हेलो फ्रेंड्स, आमना बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। यह है हमारा कपड़ा 2 मीटर। इस कपड़े को हम बिछा देंगे 4 फोल्ड में। ये मैंने 1 फोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड कपड़े का। देखिए फ्रेंड, मैंने अपना कपड़ा बिछा लिया है 4 फोल्ड में। देखिए 1, 2, 3, 4 4 फोल्ड में मैंने अपना कपड़ा बिछा लिया है। हमारी कमर है 40 इंच। 40 का हाफ होता है 20, 20 का हाफ होता है 10। 10 इंच पे निशान लगाएंगे और हम इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। ये हमने 2.5 इंच प्लस करा, 16 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, 2 इंच का, 2 इंच मैंने नेफे के लिए लिया है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और 14 इंच का हमारा आसन है। देखिए फ्रेंड्स, 14 इंच का हमारा आसन, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। हम मियानी लगाएंगे इसमें फ्रेंड्स। अब हम यहां से इसकी मोरी लेंगे। 9 इंच हम इसकी मोरी रख लेते हैं। इस निशान को हम इस निशान से टच कर देंगे अपनी पट्टी की मदद से। ये मैंने इस निशान को इस निशान से टच कर दिया। यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्लाजो की कटिंग बताई है और स्टिचिंग भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को इसकी। प्लाजो में हम मियानी भी लगाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो पहनने में। अब हम इस निशान पे कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस निशान पे सीधी कटिंग यहां से लाएंगे और यही कटिंग करेंगे। ये कटिंग कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 मीटर कपड़ा था जिसमें से 1.5 मीटर में हमारा प्लाजो बन गया है और ये 0.5 मीटर से ज्यादा कपड़ा हमारा बन गया है। फ्रेंड देखिए, 1.5 मीटर में हमारा प्लाजो हो जाता है। बहुत ही कम कपड़े में हमारा प्लाजो बनने तैयार हो जाता है। अब हम प्लाजो के लिए मियादी निकालेंगे। ये लिया है मैंने कपड़ा, इसको हमने फोल्ड किया। 9 इंच मैंने मियादी की लंबाई ली है फ्रेंड्स। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से टच कर देंगे। इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, यानी 5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 9 इंच। मैं आप लोगों को डिटेलिंग के साथ बता रही हूँ। इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ टच कर देंगे। परफेक्ट मियानी की कटिंग कर सकते हैं आप लोग। अभी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से हम शेप देंगे तरीके से गोलाई। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
हमने मियान की कटिंग कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्लाजो की स्टिचिंग करना बताते हैं आप लोगों को। ये है हमारा प्लाजो, इसको हम खोलेंगे। ये है हमारा आसन, हम यहाँ पर मियानी अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उल्टा कपड़ा और ये हमारी उल्टी मियानी। हम इस मियानी को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे अटैच कर लेंगे एक पीस में अपने, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी पीस में मियानी अटैच कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम मियानी पर। मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए भाई, हमने अपने आसन में मियानी जोड़ ली है। ये देखिए दोनों साइड, ये देखिए फ्रेंड, सिलाई लगा ली हमने। अब हम इसको दूसरा पीस लेंगे, ये हमने दूसरा पीस लिया, इसको रखेंगे। जो हमने मियानी लगाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम उस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ से स्टिच लगाएंगे, यहाँ तक सिलाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे और दोनों साइड ऐसे ही करेंगे हम। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लेकर तरीके से सिलाई कर देंगे। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम इसको बीच से उठाएंगे इस तरीके से। अब हम ये सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और हम अपना नेफा फोल्ड कर लेंगे प्लाजो का। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और नीचे 2 इंच की मोरी फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोरी फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा कर दिखाते हैं आपको इसका लास्ट लुक। देखिए फ्रेंड, हमारा प्लाजो बनकर रेडी है, प्लाजो का फाइनल लुक। आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल आमला बुटीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।